Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we are going to study about how the rainbow formation occur. So rainbow कैसे form होता है उसे सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. So उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले. Rainbow is an arch of seven colors. वो seven colors जो हमने prism के time पर भी पढ़े थे, that is vidyor. Visible in the sky, which is produced by the dispersion of sunlight. Sunlight white light है. ये sun rays जब rain drop में enter होती है तो different phenomena के through जाती है, जिस वजह से हमें rainbow form होते हुए दिखाई देता है. So rainbow पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे total internal reflection. So what is total internal reflection? When a ray of light enter from a denser medium to rarer medium, जब भी कोई light denser medium से rarer medium में enter होती है तो वो किधर bend होती है? It bends away from the normal. Okay, कैसे जाती है? Suppose ये incident ray है, denser to rarer में जाने से away from the normal bend होती है. जब हम इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करें, फर्स्ट केस हमने ये लिया, सेकंड केस हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया दिस, ठीक है. सो हमने देखा कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई वो एक तरह से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है नॉर्मल से. So this angle is known as critical angle. तो critical angle किसे कहते हैं? The angle of incidence for which the refracted ray forms a 90 degree angle with the normal. ये normal है, normal means perpendicular. Perpendicular इस line पर जो दो mediums को separate करे. So ये angle of incidence is known as critical angle for which this refracted ray forms 90 degree with normal. अब अगर हम इस critical angle से भी angle of incidence को increase करें, suppose हमने ये second के बाद अब ये third case लिया कि हमने angle of incidence को और increase किया, तो हम देखेंगे कि ये जो red color से हमने form की है line incident ray, ये उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, मीन्स रिफ्लेक्शन हुआ. अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होने वाली चीज़ को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और ये पॉसिबल होगा डेंसर टू रेरर मीडियम में ही. व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, अपोजिट इसमें पॉसिबल नहीं है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस होना, फर्स्ट इज लाइट इज इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, एंड द सेकंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन. सो वी ऑल नो दैट द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शॉवर. वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म, एक तरह से छोटे छोटे प्रिज्म की तरह वो बिहेव करती है वाटर ड्रॉपलेट्स. And when the sunlight enters the drop, first क्या होगा, A point पर जो light है air to water जा रही है, means rarer medium to denser medium, वो bend होगी towards the normal. Bend होने के साथ ही वो क्या होगी, disperse होगी seven colors में, है ना. Dispersion of light क्या होता है कि जो भी white light है वो seven constituent colors में split हो जाती है. So at this point refraction होगा, देन डिस्पर्स होगी. सपोज़ ये जो रे है और ये है, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, दैट इज़ वॉयलेट एंड रेड, इनके बीच में सारी विबग्योर्स के कलर्स हैं. यहाँ पर एंटर होने के बाद इस पॉइंट पर इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स यहाँ पर एंटर होने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है एट दिस पॉइंट. रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जब वो रेन ड्रॉप से वापस एयर में जाएगी, दैट इज़ डेंसर टू रेरर मीडियम, अगेन वो रिफ्रैक्ट होगी,
रिफ्रैक्ट होने पर वो अगेन बेंड होगी. सो ये रेड और ये वॉयलेट लाइट अगेन क्या हुई, बेंड हुई. इनके बीच में भी वो सारे कलर्स रहेंगे, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सारे कलर्स यहाँ पर रहेंगे. मैंने सिर्फ रेड और वॉयलेट को शो किया है. ऑब्जर्वर को यहाँ पर रहना है, ठीक है. अब ये जो भी रेज है ये कैसे है, डाइवर्जिंग रेज है. अब ये डाइवर्जिंग रेज कभी मिलेगी तो नहीं, लेकिन हम इनको पीछे जब एक्सटेंड करें, इन्हें जब हमने पीछे एक्सटेंड किया तो एट दिस पॉइंट ये इंटरसेक्ट हो रही है. मीन्स जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही वहाँ पर उसकी इमेज फॉर्म होगी. सो एट दिस पॉइंट हमें रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा. ये जो भी है रेड टू वॉयलेट जो भी जितने भी कलर्स है, 7 कलर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं. सो मेनली दो कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन की भी. रेनबो तभी फॉर्म होगा जब सन रेस ड्रॉप में एंटर होने पर फर्स्टली डिस्पर्स हो, देन उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, एंड अनदर थिंग इज रिफ्रैक्शन. दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है एट दिस पॉइंट एंड सेकेंडली एट दिस पॉइंट. दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन. सो ये तीन पॉइंट होना ज़रूरी है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट द सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर. सन को ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वर को हमने यहाँ खड़ा कर दिया, नहीं, ऑब्जर्वर के पीछे सन होना चाहिए और सन के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम फ्रंट में रेनबो फॉर्म होता है. सो यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिफरेंट फिनोमिना बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. थैंक यू.